हेलो एवरीवन, आज लाली प्रिंस बाय अर्चना में मैं आपको ऑर्गेन्जा सिल्क विस्कोस के डाई क्लोथ पर, जो पेल येलो कलर का मैंने डाई करवाया है, उस पर मैं आपको एक मोटिव बनाना सिखा रही हूँ। ये मोटिव बहुत इजी है। हिबिस्कस फ्लावर से आप इसको रिजेंबल कर सकते हैं, इस फ्लावर को। इसमें मैंने सिर्फ दो कलर्स का यूज़ किया है, सैप ग्रीन का यूज़ किया है और क्रिम्सन रेड का यूज़ किया है, और कोई कलर मैंने मिक्स नहीं किया है फ्लावर के अंदर। सिर्फ वाटर बेस लगाते हुए शेडिंग दी है क्रिम्सन रेड से। तो आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर मैंने पेंसिल से हल्का सा मार्क किया मोटिव को, देन मैंने वाटर बेस लगाकर हर पैटल में, देन क्रिम्सन रेड कलर का जो राउंड ब्रश है उससे मैंने यूज़ करते हुए देन उसको शेडिंग दी है। तो ब्लीड बहुत होता है ये कलर, तो आप ध्यान रखिए कि आउटलाइंस जो हैं आप वो हल्का सा थिक रेड कलर लगाकर और फिर उसको शेड देते हुए उसको फिनिशिंग कर सकते हैं आप उस फ्लावर की। तो दोस्तों, मैं आपको हर बार कुछ नया सिखाने की कोशिश करती हूँ पेंटिंग के अंदर जितना मुझे आता है, क्योंकि मैं इससे बहुत अर्निंग भी कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोग भी सीख कर कुछ अर्निंग करें। क्योंकि आज जो मैं बना रही हूँ वो एक पूरी साड़ी मैं बना रही हूँ। वैसे तो मैं साड़ी को बहुत बड़े फ्रेम में एक बार लगा देती हूँ और उसके बाद मैं पूरा उसको कंप्लीट कर देती हूँ पेंट, बट जब मुझे कुछ वीडियो बनाना होता है तब मैं एक सर्कल वाले फ्रेम पर साड़ी को लगाकर और एक मोटिव बनाकर आपको कोशिश करती हूँ कि आपको बता पाऊँ कि किस तरह से हम इन अलग अलग फैब्रिक्स के ऊपर हम पेंट कर सकते हैं। और आपको पता है दोस्तों, पिछले दो वीडियोस में अगर आप मेरे साथ बने रहे हैं तो मैं रीडिंग पे बहुत फोकस करती हूँ, और जब भी मैं कुछ रीड करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, आपको मैं अलग अलग उसके अंदर आपको उसका पार्ट बताऊँगी। तो अभी जो मैं पढ़ रही थी वो पढ़ रही थी कि हम अलग अलग रिलीजन्स हमारे इंडिया में बहुत हैं, और कई बार हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि हम जो लोग किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मानते और वो चाहते हैं कि हम हर रिलीजन की अच्छी चीज़ें सीखें और उनको अपनी लाइफ में लगाएं। तो एक बुक मैं पढ़ रही थी, उसके अंदर उन्होंने बेसिक फंडामेंटल मुझे वैल्यूज़ बताई थी कि हर रिलीजन के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, 7-8 उन्होंने पॉइंट्स बताए थे। तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और वो बहुत ही वंडरफुल पॉइंट्स हैं। अगर आप खुद भी अपनी लाइफ में लगाना चाहते हैं, सब रिलीजन्स के अंदर आपको ये कॉमन वैल्यूज़ मिलेगी, कॉमन फंडामेंटल्स मिलेंगे, तो वो मैं आपको हर वीडियो में एक एक बताऊँगी, क्योंकि सारे पॉइंट्स कवर करना वीडियो में थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज एक दो मैं कोशिश करूँगी कि कंप्लीट करूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला जो ऑथर ने बताया है हमें कि एक फंडामेंटल है, वो है कंपैशन, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि हर रिलीजन में जो एक फंडामेंटल पॉइंट होता है वो ह्यूमैनिटी का होता है, कंपैशन का होता है, कि हम किस तरह से ट्रीट करते हैं लोगों को, हम किस तरह से उन्हें महसूस करवाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप कुछ भी करिए, अगर आप उनको अच्छा फील नहीं करवा पा रहे हैं, अपने अंदर ह्यूमैनिटी रख के, कंपैशन रख के उनसे बात नहीं कर रहे हैं या ट्रीट नहीं कर रहे हैं या उनके साथ काइंडनेस का एक बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, एम्पैथाइज नहीं कर पा रहे हैं उनकी सिचुएशन को, उनके अंडरस्टैंडिंग्स को, तो मुश्किल होता है उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना या उनके साथ एक कम्युनिकेशन बिल्डअप करना। तो ये पॉइंट इज़ द लाइफ, कि अगर आप इस पॉइंट को आप अपनी लाइफ में लगा रहे हैं तो आप यकीन मानिए आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती हैं और हम बहुत इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं लोगों से। तो आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं और बताऊंगी फंडामेंटल। तो आज यही बता रही हूँ मैं। हम वापस से एक बार पेंटिंग की तरफ आते हैं। आप देखिए, जैसे मैं आउटलाइन ब्लैक से कर रही हूँ उसकी, और मैंने जो लीव्स बनाई हैं वो मैंने सैप ग्रीन कलर से, वही वाटर बेस पर मैंने उसको शेडिंग दी देते हुए कंप्लीट किया है। थोड़ा सा येलो मैंने बीच में यूज़ किया है और उस वही मैंने कलियों में यूज़ किया है। तो देखिए दोस्तों, कितना प्यारा मोटिव बना है। इसी तरह की पेंटिंग्स लेकर मैं आगे भी आती रहूँगी। आप लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।